कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का आज दूसरा दिन रहा। एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया हुआ है। इसी पर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि झूठे केस में राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है और अगर सबूत है तो देश के सामने रखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का आज दूसरा दिन और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन जी यहाँ पर मौजूद है। सर, दूसरा दिन है आज राहुल गांधी से पूछताछ का और एक तरफ हम देख रहे हैं कि कल से भी ज्यादा पुलिस फोर्स कांग्रेस ऑफिस के बाहर तैनात कर दी गई है। तमाम नेताओं को कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये जिस तरह से इन्होंने कल रात से ही पुलिस की छावनी बना रखा है, कल तो पूरे पुलिस को नई दिल्ली में डिप्लॉय करके सारे हमारे जनरल सेक्रेटरी, सारे सांसद, सारे जो चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे आए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सबको अरेस्ट कर लिया। आज भी उसी तरह से कल रात से ही पुलिस इन्होंने लगा दी और किसी को भी एसीसी अंदर आने नहीं दिए। फिर भी बहुत सारे लोग अंदर आ गए थे, तो जितने भी अंदर आए थे राहुल जी के साथ जो मार्च करना चाह रहे थे सबको और फिर दोबारा इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। अगर इनको राहुल गांधी जी कुछ है नहीं और कांग्रेस पार्टी कुछ है नहीं तो इतना डर किस बात का? क्यों इतना एक पार्टी से और एक आदमी से इतना डर रहे हैं? अगर इनके पास एविडेंस है तो क्यों ये डर रहे हैं? ये जिस घोटाले की ये बात कर रहे हैं, ये देश की जनता को ये बताएं कि घोटाला है क्या? ये कह रहे हैं 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो किसकी प्रॉपर्टी है? कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए नेशनल अलर्ट न्यूज़पेपर को कर्जा दिया था, लोन दिया था। ये जुर्म नहीं हिंदुस्तान के लॉ के तहत, तो अगर ये जुर्म नहीं है तो किस तरीके किस चीज का पूछताछ? दूसरी बात जो है, किसको दिया है? नेशनल हेराल्ड एक ऐसा पेपर है जो आजादी के आंदोलन के टाइम पर हमारे आजादी के आंदोलन के जितने हमारे नेता थे उनका माउथपीस था, युवाओं में एंथुजियाज्म भरने के लिए, युवाओं को आकर्षित करने के लिए आकर स्वतंत्र आंदोलन की तरफ के तरफ ये पेपर को इस्तेमाल किया गया था। उस पेपर को बेल आउट करने के लिए, वहाँ पे जो आप जैसे लोग पत्रकार जो काम करते हैं उनकी सैलरीज देने के लिए, जो रिटायर होते हैं उनको पेंशन देने के लिए, और वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस भरने के लिए 10-11 साल तक जो लगातार 10-20 लाख 5-10 लाख रुपए जो कर्जा देते होते होते 90 करोड़ रुपए हुआ था, उसके वो वापस दे नहीं सक रहे थे। उन्होंने इक्विटी शेयर्स दिया, कांग्रेस पार्टी ले नहीं सकती थी। और एक हमारी सिस्टर जो कंपनी है जो यंग इंडिया बोलते हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इक्विटी शेयर 90 करोड़ के दिए उसमें, तो हजारों करोड़ का घोटाला कहां से? एक रुपया किसी के अकाउंट में गया नहीं, एक रुपया एक जमीन किसी के नाम पे रजिस्टर नहीं की गई। इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड में 90 करोड़ तक उनको कर्जा दी है, वो इक्विटी शेयर के तहत यंग इंडिया को वापस आए, तो घोटाला कहां है? हुसैन जी, कल करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई, रात 11:30 बजे ईडी दफ्तर से राहुल गांधी निकले, आज फिर से दूसरे दिन बुला लिया ईडी ने पूछताछ के लिए। ये पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ईडी ने ये कहा है कि जो राहुल गांधी जवाब दिए हैं उन सवालों के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है। ईडी जो सवाल राहुल गांधी देश की सरकार से पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं, तो उससे तो संतुष्ट कैसे होंगे? जिस तरह से चाइना पे वो जो गलवान क्राइसिस का जो सवाल पूछे हैं, कोविड क्राइसिस के टाइम पर सवाल पूछे हैं, रफेल के जो सवाल पूछे हैं, अभी जो हाल में जो एकदम इतना बड़ा दलाली का काम जो हुआ है, देश के प्रधानमंत्री जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति को फोन करके कहते हैं कि अदानी को आप एक पावर प्रोजेक्ट दे दीजिए, तो ये सब जो भ्रष्टाचार चल रहा है देश के अंदर और बाहर देश के नाम पे, तो उस भ्रष्टाचार को लेकर जो बार बार आवाज उठा रहे हैं, तो उसे कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। जब संतुष्ट नहीं थे तो इसीलिए तो वो ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए तो सीबीआई और आईटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको संतुष्ट होना ही नहीं है। केस ही नहीं है, ये ओपन एंड शट केस है। इसमें अगर टीवी के माध्यम पे डिबेट कर लें, कल हम सारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को सुन रहे थे, कोई भी कन्विंसिंगली ये नहीं बता रहा था कि करप्शन है कहाँ। पैसा तो किसी को जाना चाहिए, हमने पैसा दिया है, कर्जा दिया है जो कि जुर्म नहीं है, और कर्जा वापस लिया है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो उसमें जुर्म कैसा होगा? तो ये और एसोसिएटेड जनरल ऑफ इंडिया भी कांग्रेस का ही सिस्टम कंसर्न है, कांग्रेस की ही बनाई हुई संस्था है, यंग इंडिया भी कांग्रेस की ही बनाई संस्था है, पैसा कांग्रेस ने ही दिया है, और कांग्रेस एजीएल को जो पैसा दिया वो इक्विटी शेयर्स में पैसा वापस है, कोई घोटाला नहीं, एकदम साफ हमारे अकाउंट बुक्स में है, हमारे ऑडिट बुक्स में है, एजीएल के नेशनल हेराल्ड के अकाउंट बुक्स में और एजीएल में है। अगर कहीं घोटाला है तो टीवी के माध्यम से देश को बताएं, कन्विंस करें।
धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन, कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV दिल्ली।